जिला रामपुर में कलयुगी बाप ने अपनी आठवीं बेटी होने पर उसका सौदा 15,000 रुपए में कर दिया। साथ ही जिला अस्पताल पर नवजात गायब होने का नाटक किया। पत्नी द्वारा हंगामा खड़ा करने और पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर सारा माजरा खुला। जिले में घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। कहते हैं इस फानी दुनिया में सब कुछ बिकता है। एक कलयुगी बाप ने अपने नवजात को चंद पैसों के खातिर बेच दिया। जिला रामपुर के थाना अजीम नगर के ग्राम रतनपुरा के रहने वाले नबी अहमद दंपति को 3 जनवरी को आठवीं पुत्री हुई थी। बीवी जियारा की बेहोशी की हालत में पति नबी अहमद ने बच्ची को 15,000 रुपए में बेच दिया। पत्नी को होश आने पर बच्ची के गायब होने का आरोप जिला महिला अस्पताल पर लगाकर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। मामला धीरे धीरे तूर पकड़ता चला गया। पत्नी ने जिला महिला अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया, जिस पर बच्चा गायब होने की शिकायत पुलिस तक पहुंच गई। इस पर पुलिस ने पति नबी अहमद से सारे मामले की बारीकी से जानकारी ली और जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपने गुनाह के राज को खोल दिया। क्षेत्राधिकारी सदर नरेंद्र पाल सिंह की यदि माने तो नबी अहमद ने अपनी स्वेच्छा से बच्ची को किसी को दे दिया था, जिसे अस्पताल प्रशासन ने वापस करा दिया। पति नबी अहमद ने बताया कि उसने आठवीं बेटी होने पर उसे किसी को अच्छी परवरिश के लिए दे दिया था, जबकि बच्ची को लेने वाले लोगों ने बच्ची को वापस करते समय नबी अहमद पर 15,000 रुपए लेकर बच्ची देने का आरोप लगाया। मामला पुलिस में उलझता देख अब पत्नी जियारा भी अपने शौहर को बचाते हुए उसकी हां में हां मिलाते हुए अपनी मर्जी से मासूम को देने की बात कह रही है। ये जिला अस्पताल में किसी बच्चे की जो है पैदाइश हुई थी 4 दिन पहले, तो आज CMS की एक लेटर प्राप्त हुआ है कि एक बच्चा जो है उनकी दंपति की सहमति से किसी ने गोद ले लिया था और वो बच्चा उसके पास था, लेकिन उसकी मदर ने, उसकी माँ ने उसका मन नहीं माना, तो उसने बच्चा वापस लेने की ख्वाहिश जारी की, तो CMS ने बच्चा वापस मंगाकर उसके सुपुर्द कर दिया था। वो तहरीर हमारे पास आई है, वो दोनों पक्ष हमारे सामने मौजूद हैं और बच्चा जो उसकी माँ है और उसकी फादर है उनको दे दिया गया है। इसमें किसी किस्म की खरीद फरोख्त का मामला सामने नहीं आया है, आपसी सहमति से खरीद हुआ था। किससे बात? मैं हमने कहा हमारे बहन के औलाद नहीं है, तो तुम्हारे पास ज्यादा बच्चे हैं तो एक लड़के हमारे बहन को दे दो पालने के लिए। हमारे पति के दिल में आ गई कि अब गोद दे दो, चलो पालने के लिए पल जाएगी, सही शुद्ध घर होगा। मुझे पता चला तो मैं बोली मैं अपनी लड़की नहीं दे रही पालने के लिए, मैं वापस लूँगी अपनी लड़की। ये बात हमारे पति ने दे दी आगे ऐसे में पैसे लिए थे कुछ नहीं, नहीं। वो तो कह रही है 15,000 रुपये कुछ पैसे नहीं दिया ना, दे पैसे नहीं है ना दिया है ना लिया है कुछ नहीं लिया, बस सिर्फ लड़की यहाँ से ले ली थी बस उन्होंने। यही बच्ची है? हाँ यही बच्ची है। रामपुर से शन्नू खान की रिपोर्ट।